एमपी में कोरोना काल से बंद है बसों की एमएसटी बनना। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो मासिक सीजन टिकट नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो एमपी में कोरोना काल से बंद है बसों की एमएसटी का बनना। यहां पर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी दिक्कत हो रही है। छात्रों और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो छात्रों और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो पास होते हैं, मंथली पास होते हैं, वो इस वक्त नहीं बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल से ही बसों की एमएसटी बनना बंद है। और खंडवा से इमरान खान हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, खंडवा में जो पैसेंजर्स हैं, क्या दर्द उनका निकलकर सामने आ रहा है, क्या परेशानी चल रही है उनकी? बसों की बात करें या ट्रेन की बात करें, दोनों ही में करीब दो साल से कोरोना की मार जो है यात्रियों पर पड़ रही है। जो काम उनका 1,000 रुपए मंथली या 2,000 रुपए मंथली में हो जाता था, उसी के अब उनको जो है प्रतिदिन 300 से 400 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमएससी सिस्टम जो है दो सालों से बंद पड़ा हुआ है। बंद के कारण जो है यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। डेली के जो रूटीन के सफर है उनमें दिक्कत हो रही है। पहले से ही महंगाई की मार है, उसके बाद एमएससी सिस्टम अभी तक के चालू नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक सिलसिलेवार जो है आम आदमी पे महंगाई की मार बढ़ते जा रही है। काफी उम्मीद जताए बैठे थे कि कोरोना के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो नियम थे वो कोरोना के हटा लिए हैं और जो थोड़ी सी राहत दी है, तो कहीं ना कहीं अब जो यात्री है उनको भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है बसों से ट्रेनों से जो सफर करते हैं उनमें भी जो है उनको छूट मिली जाए और एमएससी सिस्टम चालू की जाए। अभी इस पे बात नहीं है हालांकि सरकार ने की है कि कब चालू होगा, कितने समय लगेगा, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जो है ये सारा सिस्टम बंद होना चाहिए और एमएससी सिस्टम चालू होना चाहिए। बिल्कुल इमरान, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर क्या कुछ अधिकारी बता पा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर, प्रबंधन इसको लेकर कुछ बता पा रहा है कि कब से शुरू हो सकता है? अभी तो फिलहाल कोई आदेश आया नहीं, लेकिन कब तक ये संभावना है कि शुरुआत इसकी हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग अब वैक्सीनेटेड होकर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारी में लगा है प्रशासन, हालांकि उनके पास कोई ऑथेंटिक आदर नहीं आया है कि कब चालू करना है, लेकिन उनका गुपचुप तरीके से कहना है, उसमें बता रहे हैं कि जो है बहुत जल्दी ही जो है भी सेवा को चालू कर सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले आप दूसरे प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जो कोरोना के प्रतिबंध है हम उसमें ढील दे रहे हैं, लेकिन आपको वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पड़ेंगे, दूरी और मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। तो रेलवे भी जो है इस नियमों के साथ जो है इसमें ढील दे सकता है। हालांकि अधिकृत ऐलान अभी नहीं हुआ है कि रेलवे इसमें राहत कब देंगी या बसों में राहत कब मिलेंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बसों में सिस्टम चालू हो गया है, प्राइवेट बसें जो चलती है उसमें ही लोगों ने सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एमएससी सिस्टम है वो बंद है, लोगों को रिजर्वेशन करवाने में तकलीफ होती है, फिर किसी कारणवश डेली बस उनको जाना कैंसिल होता है तो रेलवे पैसा रिफंड नहीं करता है। कहीं ना कहीं एक जो है परेशानी यात्रियों की, बिल्कुल यात्रियों की परेशानी है। इमरान, क्या आपके आसपास कुछ यात्री इस तरीके के मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, अपनी परेशानियां क्या वो साझा कर सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले जो है यात्रियों ने अपने सफर से निकल चुके हैं। हालांकि हमने उनसे इससे पहले ही जो है हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ कहा था कि क्या कोरोना का जो मार है वो रेलवे पे आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम लोगों के लिए बस सुविधा चालू हो रही है, बसों में हम सफर कर रहे हैं, रेलवे का एमएससी सिस्टम बंद है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। क्या कोरोना तो है बस में भी आएगा और रेलवे भी आएगा, लेकिन रेलवे ने अभी तक के जो है एमएससी सिस्टम चालू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं अब उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको जो है अपने टाइम पे अपने जो है सफर के लिए निकलना पड़ता है, डेली का सफर रहता है, उनका शेड्यूल बने रहता है दिन भर के समय का, उसको मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन लगे रहती है, रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर वहाँ से फॉर्म भरो, इस तरीके की तकलीफों से जो है उनको गुजरना पड़ता है। बिल्कुल इमरान, एक चीज और समझना चाहेंगे वहां पर कि छात्रों के सामने अब क्या परेशानी है, क्योंकि कॉलेजेस भी वहां पर खुल रहे हैं और छात्रों को अब हर रोज कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, तो किस तरह से परेशानियों से वो जूझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों की चल रही थी वो भी अब बंद हो गई है, फुल लोग जो है स्कूलें खुल गई है, तो कहीं ना कहीं अब जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते थे या जो अपने पढ़ाई के सफर के लिए जो है 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफर तय करते थे, तो उनको अब जो है बिल्कुल एमएससी सिस्टम बंद होने से अब उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसलिए भी हो रही है कि जो सफर उनका 30 से 50 रुपये में रेलवे से हो जाता था, वही सफर अब उनको 100 से 150 रुपये में जो है बस से करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक महंगाई
अधिकारी हैं, जो उनका बजट है, जो उनका शिक्षा का बजट है, जो उन्होंने अपने स्कूल के लिए बजट तैयार किया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दोहरी माल देखने को मिल रही है। जी इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए कि एमएसटी न बनने से किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर पैसेंजर्स को करना पड़ रहा है, सरकारी दफ्तरों में जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है, और खासतौर पर स्टूडेंट्स को भी करना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले, रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।